Now हमने discuss कर लिया what to do. Now we can discuss, we are going to discuss what not to do. हमने क्या नहीं करना. Never negotiate on your sample or test order. Normally I know कि आप जो video देख रहे हैं, काफी लोग ये करते हैं कि वो जो sample की cost पे भी हम कह रहे होते हैं $5 कम कर दो, $10 कम कर दो. हम क्या अपना input उनको show करवा रहे होते हैं. Basically फर्स्टली तो अपनी जहन में रख लें कि यार सैंपल में हम कोई निगोशिएट नहीं करेंगे. सैंपल आ जाए, पसंद ना आए, वो बात की बात है, लेकिन सैंपल में हम निगोशिएट नहीं करेंगे. क्योंकि देखिए, जो बड़े सप्लायर्स, बड़े सेलर्स होते हैं ना, वो हमेशा आते हैं, कहते हैं यार सैंपल दे दो, क्योंकि वो काफ़ी सारे ले रहे होते हैं. फिर निगोशिएटिंग बाद में कर लें, जब एक बार सैंपल आपके पास आ जाए, उसको देख लें, वो ठीक है हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक. ये बड़ा अच्छा एक तरह का आपका इंप्रेशन पड़ रहा है, क्या एक सप्लायर सोच रहा है कि वो आया है, उसने सीधा हमसे सैंपल मांगा है, सैंपल उसको अच्छे लगे हैं, अब वो आगे हमसे निगोशिएट कर रहा है. दिस इज द राइट वे, बट नेवर निगोशिएट ऑन योर सैंपल और अ टेस्ट ऑर्डर. राइट, डोंट बी विशी वशी एंड अनश्योर. ये वर्ड मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा, इसका क्या मतलब है. डोंट बी विशी वशी एंड अनश्योर, बेसिकली आपने ना बफ नहीं हो जाना. मतलब बफ से मुराद मैं ये दे रहा हूँ कि सप्लायर को ये नहीं शो करवाना कि मैं यार शायद मैं आपसे करवा लूँ. मतलब आपको, आप खुद भी इंश्योर हैं, श्योरिटी है नहीं कि मैं इसे करवाऊँ या नहीं करवाऊंगा स्टॉक अपना. बट आपने विशी वॉशी नहीं होना, हमेशा टू द पॉइंट बात करनी है. आई थिंक सो पहले भी ये चीज़ मैंने पॉइंट डिस्कस की है, बट ये वर्ड मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई पुट दैट इन टू स्लाइड. सिंपली आपने मतलब फर्दर मूव कर देना है, विशी वॉशी नहीं होना. राइट, क्योंकि हमें श्योर ही नहीं है कि यार एक सप्लायर अगर हमें पसंद नहीं है तो दैट्स इट, वी हैव टू मूव फर्दर इंस्टेड ऑफ वी हम स्टिक हो जाए उसी सप्लायर के ऊपर. ये पॉइंट बार बार शायद आगे भी रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, बट डोंट बी विशी वॉशी. राइट, अच्छा, डोंट शो वीकनेस और डिस्क्रेशन. व्हाट इज मीन डोंट शो वीकनेस और डिस्क्रेशन, इसका मतलब ये है कि हमने सप्लायर को ये नहीं कहना कि यार अगर हमें 1000 यूनिट कल तक ना मिले और इस प्राइस में ना मिले तो हमारा बॉस हमें फायर कर देगा, हम लॉस में चले जाएंगे, हमारी कंपनी डूब जाएगी, हम बहुत बड़ा एक मतलब कि डील फाइनल करने जा रहे थे अगर हम 5 दिन. मतलब कोई वीकनेस शो नहीं करनी, ना कोई आपने परेशान होना है. बिकॉज अगर हमने वीकनेस शो करवा दी तो सप्लायर वहाँ से फ़ायदा उठा के हमें अपनी मर्जी की प्राइस हमें बता सकता है, और सेकेंडली कुछ हम कुछ भी कर सकता है. सो डोंट शो वीकनेस और डिस्क्रेशन. राइट, अच्छा, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क दी क्वेश्चंस. हमने डरना नहीं है क्या, हमने क्या इस पेन में मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, इंक कितनी डलती है, इसकी जो पिन है वो कितने मिलीमीटर की है, इसकी बैक एंड प्लास्टिक की है या नहीं है, कौन सा कलर यूज होता है, क्या ये वाटर से उतर जाता है, इसकी प्लास्टिक में कितने उसका थिकनेस है, मेटल कौन सा यूज हो रहा है, मेटल में कलर कौन सा यूज हो रहा है. तो आपने डरना नहीं है, जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं वो पूछें, और सप्लायर का हक है वो आपको बताएगा. अगर वो नहीं बताता सो अगेन यू हैव टू बी, मतलब आपको जब चाहे आप भाग जाए, बट डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन. नेवर लेट योर सप्लायर विन. व्हाट इज मीन नेवर लेट योर सप्लायर विन, इसका मतलब यह है कि सप्लायर को जीतने नहीं देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि $2 कम कर लें और सप्लायर $2 नहीं मानती और आप कहते हैं ठीक है यार 2% हो रहा है तो मैं भी कर देता हूँ, तो आप सप्लायर को जिता रहे हैं. ये नहीं करना, हमारे पास काफ़ी सप्लायर है, मूव फर्दर. मगर नेवर लेट योर सप्लायर विन, $2 हो या $1 हो, उसको जीतने ना दें, वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन होता है. राइट, अच्छा, अब बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. नाउ हम कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बात करते हैं. Ask for sample cost to be discounted from the future orders. Has a discuss in start के कभी भी sample cost के ऊपर negotiate ना करें, क्योंकि हम उसको बाद में discounted future order में merge करवा सकते हैं. For example, हमने $50 या $100 अपनी sample की cost pay की है. Right? हम इसको in future में supplier से final कर देंगे कि यार ये tricks हैं, basically हमारे पास ना tricks हैं. सप्लायर को कह देंगे यार जो मैंने $60 पे किया है, ये 5-6 जो भी हमारा बनता था हमने मास ऑर्डर बनवा दें 1000-10000 यूनिट्स, तो इसमें एडजस्ट कर दें, तो ही और शी विल 100%
इसको डिस्काउंटेड करके उस हमारे मास ऑर्डर में मैनेज कर देगी, वो $60 की हमें स्टॉक दे देगी। ठीक अच्छा, हैव देम स्टोर प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर फ्यूचर ऑर्डर्स। अच्छा इसका क्या मतलब है, हैव देम स्टोर प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर ऑर्डर्स। कुछ चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ चीज में से आए तो मैं आपको बताऊं, जिसको हम डाई कहते हैं, डाई जिसको हम कहते हैं, वो डाई क्या चीज होती है कि वो डाई बनती है कुछ $300 $500, डिपेंड करता है हमारी विड्थ हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम उसको कह देंगे क्या, नेक्स्ट टाइम जैसे आपसे बनवाऊंगा, या उसको कह देंगे क्या अगर मेरी नेक्स्ट टाइम आपसे डील ना फाइनल हो जाए, क्योंकि वंस आपने एक बार तो उसको पे किया है ना, नेक्स्ट टाइम आप अगर प्राइस उसकी अच्छी नहीं लगी, अगर वो आपके साथ नहीं एग्री होगी, तो आप उसे कह देना एग्रीमेंट करवा लीजिएगा क्या अगर नेक्स्ट टाइम आपसे करवाऊंगा तो आपने उससे दोबारा ये कोई प्रिंटेड मटेरियल कोई बाय नहीं लेना, बचा के रखने, अगर इन केस मैं वो उठवाना चाहूँ या लेना चाहूँ तो ले के किसी और फैक्ट्री भेज दें, बट ये आपने डील फाइनल कर लेने की जो भी आपका प्रिंटेड मटेरियल होगा वो आप उसको ले सकते हैं फ्यूचर में, राइट। जो डाई वगैरह होती है जो हम स्पेशल बनवा रहे होते हैं इम्पोज वगैरह के लिए। अच्छा, क्रिएट लार्ज फेक कस्टमर परचेज ऑर्डर, ये बेसिकली हमने काफी हमारी टीम ने इसको बड़ा ही काफी बार यूज किया है, और इट विल आपके वो भी 95% ये कन्वर्जन देता भी है। क्रिएट अ फेक कस्टमर परचेज ऑर्डर इसका क्या मतलब है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सप्लायर से बात कर रहा हूँ, कोई 500 यूनिट्स में ना तो वो स्टक हो गया है $5 में वो स्टक हो गया है, बट मैं सडनली मतलब बिजनेस है ना, हमें थोड़ी सी तो ऊपर नीचे करनी पड़ी, मैं उसे थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के बात या झूठ बोल देता हूँ, क्या वॉलमार्ट से एक बंदे से मेरी बात हो रही है बट अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर डील फाइनल हो जाती है तो सो वी कैन गेट दिस ऑर्डर, वो कोई 1 लाख यूनिट लेना चाह रहा है ये चीज़ सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन में, वो ना थोड़ा सा आप सप्लायर के जेन में ये आएगा कि यार ये जो बनता है जो बायर है उसकी बड़ी अच्छी जान पहचान है, और शायद अगर मैं इसको प्राइस अच्छे दूंगा या दूंगी तो हम वो वॉलमार्ट वाला ऑर्डर विन कर सकते हैं। सो सिंपली आपको बता दें कि यार $5 की चीज़ जब अपने 1 लाख क्वांटिटी में आ गई है तो $2 $1 में आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार कि इसको यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट, $1 में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये चीज़ आप फ्यूचर में इस चीज़ से बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये ट्रिक है, एक है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, क्रिएट अ लार्ज पे कस्टमर परचेस ऑर्डर, राइट। अच्छा, रीनेगोशिएट ऑफन ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइम पे इसका 1000 यूनिट्स बनवा लिए हैं $2 दे के, $2000 का, तो नेक्स्ट टाइम हमेशा आप उसको दोबारा रीनेगोशिएट करवाएं, $2 का था यार 1.9 में दे दो, मैं दूसरी बार परचेज कर रहा हूँ तीसरी बार 1.8 में कर दें, इस तरह रीनेगोशिएट करवाते रहें, इंस्टेड ऑफ कि आपने फर्स्ट टाइम अगर $2 का लिया तो हर बार आप $2 का ना लें, ठीक है, आप उसको रीनिगोशिएट करवाते रहें।